फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और यमी से नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। इस नाश्ते को एक बार खाने के बाद आप पिज्ज़ा और बर्गर खाना भूल ही जाओगे। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और इस नाश्ते में आपको पिज्ज़ा और बर्गर दोनों का टेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 उबले हुए आलू और अब हम इसे मैश करेंगे। तो आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। हमें इसे अच्छे से मैश करना है। और अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, अब हम डालेंगे इसमें चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप जैसा नमक खाते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मत डालें। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए ये मैदा। तो आप इसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, या चावल का आटा भी डाल सकते हैं, आपका जो मन करे डाल सकते हैं। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, इसका हम एक डो बना के रेडी करेंगे, पर ध्यान रहे इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। इसका हमें ऐसे ही डो बनाना है, और अगर आपको बीच में ये डो थोड़ा गीला गीला लगे तो आप इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो डो है थोड़ा हमें गीला गीला लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा और मैदा ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसके 2 पोर्शन करेंगे, 2 बराबर भागों में इसे हमें डिवाइड करना है, और इसकी हम 2 लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चकले में थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इस लोई को हम रोटी का शेप देंगे, पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें इसे बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा हमें इसे मोटा ही बेलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बेल चुका है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना मोटा रखा हुआ है। तो सेम तरीके से हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो क्यूब में प्रोसेस चीज आता है उसे लिया हुआ है, और एक क्यूब को मैंने 3 भागों में कट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब हमने जो दूसरा बेल के रखा हुआ था उसे हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे, बिल्कुल बराबर हमें इसे रखना है। और अब हम इसके किनारों को चारों तरफ से चिपका लेंगे।
फ्रेंड्स ध्यान रहे इसे हमें बहुत ही अच्छे से चिपकाना है, नहीं तो हमारी चीज़ जब मेल्ट होगी तो वो बाहर निकल के आ जाएगी, तो हमें इसे अच्छे से चिपकाना है। अब हम पिज्ज़ा कटर से इसे कट कर लेंगे, पर ध्यान रहे फ्रेंड्स जहाँ पे हमारी चीज़ है उससे हमें थोड़ी दूरी में ही इसे कट करना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे कट कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है, और अब हम इसका एक पीस उठाएंगे और उसे भी कुछ इस तरीके से पैक कर देंगे। कहीं से भी ये खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो चीज़ मेल्ट होने के बाद बाहर आ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसे हमें बहुत ही अच्छे से चिपकाना होता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पहले ही ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और अब यह गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके अपने नाश्ते को डालेंगे, और हमें यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है उसे शुरू में मीडियम टू हाई रखना है। जब यह एक तरफ से फ्राई हो जाएगा, गरम तेल को हम अपने नाश्ते के ऊपर डालेंगे ताकि यह ऊपर से भी सिकता जाए। नाश्ता हमारा एक तरफ से सिक चुका है, तो अब हम इसे पलट देंगे और अब हम यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है उसे लो टू मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता फ्राई हो चुका है और इसमें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसे एज ए स्नैक भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया हुआ है, सॉस के साथ बहुत ही ज़्यादा ये नाश्ता यमी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक इजीली पहुँच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।